नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस तरह की वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, उसमें मैंने इस ट्रांसफार्मर के पार्ट्स और फंक्शन के बारे में बात की थी और वर्किंग भी बताई थी किस तरह से ये वर्क करता है। दोस्तों, अगर वो वाली वीडियो आपको देखनी हो तो आई बटन पर क्लिक कर लीजिए और उस वीडियो को भी देख लीजिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसके इंटरनल पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। इसे खोल कर देखेंगे कि किस तरह के इसके अंदर पार्ट्स लगे होते हैं और क्या क्या उनकी वर्किंग होती है। तो दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों, इस तरह का कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो ट्रांसफार्मर है, सिंगल फेज का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। इसके पार्ट्स और फंक्शन के बारे में उस वीडियो में मैंने बात की थी, जो कि आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका पोर्सिलिन का इंसुलेटर है और ये इसकी रबर की सील है। उसके बाद में ये इसका प्राइमरी टर्मिनल है, जहाँ पर 11 kV लाइन वोल्टेज आती है। उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं, ये इसकी माउंटिंग फ्लैंज है, जिससे कि इस इंसुलेटर को इसके ट्रांसफार्मर पर कसा जाता है। तो दोस्तों, हमने इस ट्रांसफार्मर को पहले से ही खोल रखा है। तो दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, ये जो है इसकी प्राइमरी वायर है और प्राइमरी वायर के ऊपर माइका का इंसुलेशन लगा दिया जाता है, इंसुलेशन स्लीव लगा दी जाती है, ताकि ये जो वायर है पूरी तरीके से पृथक रहे। दोस्तों, ये जो ट्रांसफार्मर है, इसकी क्षमता बहुत कम होती है, किसी नॉर्मल 3-phase ट्रांसफार्मर से काफ़ी कम होती है। इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 25 kVA के आते हैं, मतलब 25 kVA तक के ट्रांसफार्मर हमें मिलते हैं। दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर का जो यूज़ है, जितने भी सिंगल फेज लोड है जो कि लाइट लोड में आते हैं, उनके लिए ये ट्रांसफार्मर सफिशेंट है। जैसे कि जो खेतों में ढाणियाँ होती है या फिर खेतों में जो ट्यूबवेल होते हैं, उनको चलाने के लिए इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। इस कंटेनर में जो ट्रांसफार्मर है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही ट्रांसफार्मर है जैसे कि छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं, जैसे कि 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर, 30 वोल्ट के ट्रांसफार्मर, जितने भी हमारे छोटे ट्रांसफार्मर है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ किए जाते हैं, सेम टू सेम वैसा ही है। और ये जो ट्रांसफार्मर है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है। इसकी कोर बनाने के लिए ई और आई प्रकार की पत्तियों का यूज़ किया जाता है। ई और आई प्रकार की पत्तियों को आपस में मिला करके उनके अंदर वाइंडिंग कर दी जाती है। अब इसके ऑयल की बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसका जो ऑयल है, एक तरह से इंसुलेशन का काम करता है, जिससे कि इसका जो लीकेज करंट है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दूसरा, इसका जो ऑयल है वो कूलेंट का काम भी करता है, जो कि ट्रांसफार्मर को पूरे तरीके से ठंडा रखता है। आप इस ऑयल को देख भी लीजिए दोस्तों, जब इस ऑयल को डाला जाता है तो ये बिल्कुल वाइट कलर का होता है, परंतु समय के साथ जैसे जैसे ये वर्क करता है, हल्का पीले कलर का हो जाता है, फिर बिल्कुल पीले कलर का, और लास्ट के अंदर जब ये पूरे तरीके से जल जाता है ऑयल, तब ये बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाता है, डार्क रेड हो जाता है। आप लोग देख लीजिए दोस्तों, जब ये ऑयल बिल्कुल लाल कलर का हो जाता है तो इसे फिल्ट्रेशन करवा दिया जाता है, मतलब बिल्कुल साफ़ करवा दिया जाता है। दोस्तों, अब इस ट्रांसफार्मर के आउटपुट टर्मिनल की हम बात कर लेते हैं। इसके जितने भी आउटपुट टर्मिनल होते हैं, सारे के सारे कॉपर से बनाए जाते हैं और इन्हें कुछ इस तरीके से कसा जाता है कि ये जो कंटेनर है उससे बिल्कुल पृथक रहे, बिल्कुल अलग रहे। इसे बेकलाइट के बेस के ऊपर कस कर फिर इसे कंटेनर में लगाया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो टर्मिनल है ये अर्थिंग का इसका टर्मिनल है। इसे पूरी तरीके से अर्थिंग भी करना पड़ता है, ताकि लीकेज करंट के कारण भी इसमें जो करंट का झटका है वो ना आए। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसके दोनों आउटपुट है। यहाँ से हमें 220 वोल्ट आउटपुट में मिलती है, एक न्यूट्रल का टर्मिनल और दूसरा फेस का टर्मिनल। दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं कि इसमें जो इनपुट है सिर्फ एक वायर से आती है, दूसरी जो वायर है हमें नीचे से ग्राउंड करके यहाँ इसको न्यूट्रल के साथ अर्थ करना पड़ता है। दोस्तों, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, जहाँ से हमें घरों के लिए सप्लाई मिलती है। यहाँ पर ही हम MCB लगा देते हैं, सर्किट ब्रेकर लगा देते हैं, ताकि जो भी फॉल्ट आए यहीं से ये ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाए। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी इसी की तरह प्रैक्टिकल वीडियो ही होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो हमें कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जवाब दे दूँगा। थैंक यू।